तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। आ चुका है चूड़ा, इसके साथ ना मैंने ये मंगाया। टीम ग्रूम तो अभी से रेडी है, लड़की वाले लड़के वाले। मेरी शादी कितने बजे? ठीक है, मैं भी सोच रही हूँ शादी कर लेती हूँ। ये हमारी तुबा के लिए बना है, देखो जी मजा आने वाला है। पूरी बात सुन लो ध्यान से, एक बार 10 मिनट के लिए दे दो, बस पन्नी निकाल के। यार तू के बर्थडे पे पहनते है? यार मेरे साथ तो पोपट्टी हो जाता है हमेशा। मारूंगी तुम लोगों को एक एक थप्पड़, लात मारेगा। कहाँ से सुनगाई आएगी? तो गिफ्ट दिखाती हूँ क्या है। मम्मा बेटी रेडी हो गई। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हैं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर में लगा हुआ है तेल क्योंकि आज धोना है बालों को, और मैं एक बहुत अच्छा तेल यूज कर रही हूँ जिससे मेरे बाल जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं और अपने आप ही छोटे हो जाते हैं। तो वेलकम कर रही हूँ क्योंकि आज शगुन के बहुत सारे सामान आए हैं घर पे सुबह सुबह, मतलब इतनी बारिश में भी लुधियाना से जिनसे मैंने ऑर्डर किया था वो लेने आए हैं। उन्होंने बोला पार्सल में ना लेट हो जाएगा आपको, तो मैं खुद ही देने आ जाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो गाइस दुल्हन आती है ना, जब वो दिन दे शगना गाना होता है ना उसपे दुल्हन आती है, चुन्नी के नीचे हम भाभी को ये पकड़ा देंगे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है बहुत ज्यादा। भाभी की ड्रेस व्रेस गंदी ना हो जाए, वैसे ही बहुत ज्यादा सुंदर डेकोर की हुई है। बहुत मिलेगा भैया, बारिश इतनी, यहाँ तो इतनी लगातार बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। तो भैया आप सदर जा रहे हो ना वो गुलाल का वो लेने, तो एक काम करना मैं एक चीज भेजूंगी आपको, वो उसके 3-4 पैकेट ले आना। गाइस ये जो चुन्नी है ना ये स्पेशली बनाई है भाभी के लिए और भैया के लिए। तो भाभी जब मंडप में आएगी ना तो भाभी इसको ऐसे वेयर करके, मतलब जो लहंगे की चुन्नी होगी तो हो, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे जैसे पकड़ के आते हैं ना तो ऐसे आएगी। तो मैं ये सारी बातें कर रही हूँ क्या? आप भी लेके दिखा दो। मैं सर पे ले सकती हूँ क्या? जिनकी शादी है वो लेते हैं ना। सही लगा सामान भाभी? बहुत सारा सामान मंगवाया हमने, ये सारा वो गेस्ट के लिए भी है। चलो ठीक है भाभी, है हम सामान जरा इकट्ठा कर रहे हैं। पोटली मंगानी है, पोटली लग रही। मंदीप भैया को बोल पोटली वहाँ पे थी ना सदर में। तो गाइस ये वाले कलीरे ना अभी बहुत ज्यादा इन में है, जो मैं लेके आई थी वो भी है, ऐसा नहीं है, पर ये वाले कलीरे मैंने अलग से मंगवाए भाभी के लिए। जब कलीरे गिराते हैं तो वो वाले पहन लेंगी, और ये जब वो दुल्हन बनेंगी ना तो ये वाले पहन लेंगी, और ये बहुत सुंदर लगेंगे गोल्डन गोल्डन। तो गाइज यहाँ पे आ चुका है चूड़ा जिसका मैंने आपको बताया था, मैंने चूड़ा ऑनलाइन मंगाया है, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा बॉक्स है। इसके साथ ना मैंने ये मंगाया है शुभ विवाह, मतलब चूड़ा भाभी नहीं देख सकती ना ऐसे वो होती है रसम होती है, तो ये लेके आए शुभ विवाह, और इस पे लिखा है मनदीप वेटसाल। ये देखो इतना सुंदर इसमें लटकन दी है। पायल टीम ग्रूम तो अभी से रेडी है, इसको बोल बाल तो धोके आ जाता है कम से कम। तो गाइज यहाँ पे सबके लिए ना चश्मे भी आए हैं, देखो टीम ग्रूम ही है तो अच्छा। ये रिब्राइट और ये क्या है? स्पेशल है ये, स्पेशल भाभी और भैया के लिए। हम क्या करेंगे, हम वैसा वाला फोटो शूट कराएंगे तो पूरी टीम लगाएगी, टीम ब्राइड टीम ग्रूम और दूल्हा दुल्हन को बीच में बिठा के ना वो सारे पास शोर नहीं मचाते, सिनेमैटिक टेक्स होते हैं और सारे ऐसे वीडियो फोटो क्लिक कराते ना, वैसा वाला कुछ करेंगे। तो यहाँ पे बैचेस दिखा दिए? नहीं बैचेस नहीं दिखाए, यहाँ पे बैचेस भी आए हैं वैसे और मंगा लिए मैंने क्योंकि कम पड़ जाएंगे ना। तो ये बैचेस है ना, इसमें क्या लिखी है? 50-50। मैं एक्चुअली गई थी ना दिल्ली में, मास्क भी लेके आई थी, फिर मैंने सोचा और मंगा लेते हैं, लोग बहुत सारे हो जाएंगे हमारे यहाँ। तो ये बैच है लड़की वाले लड़के वाले, तो ये बैच है तो हम गर्ल्स लगाइए। ये रोज पायल हर एक ड्रेस पे लगने चाहिए ताकि पता चले दूर से। और अब मेरे को लगता है पायल गैस से चलेंगे, जितना है बैच है। नहीं गैस तो बहुत आएंगे पर धीरे धीरे क्या पता गैस और आ जाएंगे। मेरी शादी में कितने थे फिर तो पता ही नहीं था, पता नहीं था इतने गैस, इतने गैस थे पता ही नहीं था हमें। भाभी हमारे इवेंट का मैप है क्या? अरे मैप नहीं है, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बैंगल सेरेमनी होगी, तो यहाँ पे है गाइस सारे का की बैंगल्स। तो यहाँ पे ना बैंगल सेरेमनी होती है, तो सबसे पहले होती है उसमें जो मेरी भी हुई थी, जो पायल की भी हुई थी, शगुन की लाल और हरी चूड़ियाँ चढ़ती है। तो हम यहाँ पे जो बैंगल्स भाभी के लेकर है ना वो रखेंगे। उसके बाद है ये मेहंदी, ठीक है? तो ये मेहंदी का यहाँ पे सारी मेहंदी की कोन्स रखी जाएगी। तो वो मेहंदी का जो फंक्शन होगा वो लड़की भी लगाएंगे मेहंदी और लड़कियां भी लगाएंगी। मैं ये पूछ रहा हूँ की जो हमारे इवेंट का मैप भी होता है ना, बैकग्राउंड बनता है ऐसा, मुझे लग रहा है। अच्छा इसको लग रहा है जहाँ पे वो हल्दी मेहंदी का वो बनेगा ना डेकोरेशन में, वो मैप नहीं मैप नहीं। और ये है हल्दी ऐसे करके ऐसे। तुम लोग कब शादी करोगे? सब सामान संभाल के रखेंगे, अगली शादी में यूज करेंगे। 2025 में मेरी है। 2025 और तेरी? 26। राम ये तो बहुत लेट, ये तो तू तो कहता मैं सबसे पहले करूंगा शादी। पाए मैं सोच रही हूँ दोबारा एक बार शादी होते किस। नहीं नहीं बाबू अपनी शादी नहीं, मैं कह रही मैं करूंगी ये पहनने के लिए, ये सब ऐसे सबके लिए। मैंने नहीं ये सब देखा ना, तो ऐसे ही काम करते गाना बनाते हैं जिसमें तेरी शादी करा देते। नहीं मैं गाने के लिए शादी नहीं करूंगी, शादी शादी वाली शादी करूंगी, ठीक है?
ठीक है, मैं भी सोच रही शादी कर लेती हूँ। एक बार एक काम करते हैं, रिश्ते भी अच्छा लेके आऊं। हाँ, सातवीं आठवीं। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है, दिखाई बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर है। ये भाभी के लिए गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। और साथ में भी बैंगल्स भी है, और भी है, झुमके भी है, झुमकी भी है, बड़ा प्यारा। अच्छा ये वाली है ना, मांग टीका। और ये किसका है? ये आपको, ये हमारा हमारा। और ये सारी नीचे गेस्ट। अच्छा, गेस्ट के लिए। तो आप सोचो ये किसके लिए होगा? तो हमारे घर में एक लाडो रानी है, ये उसके लिए है, और लाडो रानी आ रही है। लाडो रानी के बिप बिप उतार रहे हैं, बिप बंदी हो रही है। चन चन वाला भी मैं निकालती हूँ। ये हमारी तुबा के लिए बना है, देखो जी। तुबू दिखाओ, हैंडो दिखाओ, तुबू। अब शाले बच्चे बोलेंगे तुबू जैसा चाहिए, हमें तुबू जैसा चाहिए। शाले बच्चे को तुबू जैसा उसके साथ। हाँ हाँ, ये हमारे है। हमारी आउटफिट क्या है हल्दी की? येलो लहंगा है। अच्छा, भाभी का भी येलो लहंगा है, हमारे दोनों का येलो लहंगा है, भाभी का हर और तुबा का। मैं लहंगे का पता हमारे पास उसकी आ गई है हल्दी की, मेहंदी पे हम वही वाली पहन रहे हैं जो हमने अपनी गोद भराई पे पहनी। अच्छा, तुबा का तो दिखा दे। तो तुबा का लहंगा ही है गाइस। तो गाइस ये जितना भी सामान है ये हमारे सारे गेस्ट के लिए, गाने वाले दिन और हल्दी मेहंदी वाले दिन हम ये देने वाले सबके लिए। और अभी पोटली रह गई है, पोटली मैंने मंदिर भी आ गए हुए सदर बाजार, तो मैंने उनको बोला पोटली वहां से ले आना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत महंगा देते हैं। तो गाइज मैंने अपनी शादी पे, गोद भराई पे जितनी भी फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनसे पहनी है। इनका पेज ये बता देंगे आपको। मेरे पेज का नाम है फ्लोरल ब्राइट सायरा पर्ल्स फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर से हैं। और देखो बहुत सारे लोग है ना फेक अकाउंट बना देंगे, तो फेक अकाउंट पे आप प्लीज कॉन्टेक्ट मत करना, पे मत करना। अगर आपको इनसे कॉन्टेक्ट करना तो इनका नंबर इनकी आईडी पे मिल जाएगा, आप वहां कॉन्टेक्ट करके ही ऑर्डर करना। क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है ना, उसका ओरिजिनल बाद में आता है, डुप्लीकेट पहले बन जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी आपको सारी चीजें चाहिए, पहले इनके पास सिर्फ फ्लावर ज्वेलरी थी, अभी इनके पास चूड़ा, कलीरे, अम्ब्रेलास, बैचेस, गॉगल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले ये बच्चों के लिए काम नहीं करते थे, अभी ये स्पेशल बच्चों के लिए भी काम करने लगे हैं। क्योंकि देखो औरतें अपने लिए मंगा लेती हैं, सब मंगा लेते हैं, बच्चे रह जाते हैं, तो बच्चों के लिए भी आपको सारी फ्लावर ज्वेलरी यहाँ से मिल जाएगी। तो जल्दी जाओ अभी इनके पेज को फॉलो कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, इंस्टा पे एक स्टोरी भी डालूंगी आपके लिए, ताकि आपको पता लग जाएगा मैंने कहाँ से लिया है। तो भाई सारा सामान संभाल के रख देती हूँ, शादी वाले टाइम पे सारा काम आएगा। और पोटलियां रहेंगी अगर मंदिर, मुझे लगता नहीं मंदिर भैया ढूंढ पाएंगे पोटली। मतलब पोटलियां जो दिली थी गेस्ट। अच्छा, हाँ मुझे भी नहीं लगता। तूने मंदिर भैया से वो मंगवा लिया? एक तो पन्नियां नहीं, अभी मैं मैसेज कर रही हूं। और वो भी चाहिए जुराबे भी मंगवा लेते हैं। जुराबे रख देते हैं, सॉक्स बहुत है, सॉक्स पन्नियां मंगवा ली और पोटली मुझे लग नहीं रहा भैया ढूंढ पाएंगे। भैया को फोटो भेजू? चल एक काम करते, पहले मैं पैक कर देती हूँ। गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है सारे शादी के ब्लॉग्स में, जो हम नहीं कर पाए पहले वो सब करने वाले हैं। और भाई मुझे तो भाभी की ज्वेलरी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। जो हमने ली थी उससे भी ज्यादा डिफरेंट लग रही है। तो हमने अपने लिए तो येलो मंगाया, क्योंकि हमारे पास पहले पुराना पड़ा है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, तो वो पहनेंगे। और तुबा के लिए वो आधी जुंडल है भाई, छोटा सा कंगना, छोटे सी। तो मैंने ये सोचा गाइस, पोटली में क्या है ना, पोटली में सबको अपनी पसंद का नहीं मिलेगा, हम ऐसा सोच रहे हैं एक थाल में रख देंगे सारा सामान, जिसको जो पसंद आएगा वो उठा के ले लेगा, है ना। हाँ, ये भी पोटली का झंझट हटा देते, ठीक है। तो पोटली का झंझट हटा दे, जैसे ये सामान है ना, सारा सामान हम लोग ना अच्छे से रख देंगे, फिर इसको संभाल के रख देंगे इन सब सामानों को। ये तो जो गेस्ट नहीं, तो नहीं, ये जो चीजें यूनिक है, ऐसे चश्मे हो गए, बैच हो गई, ये बोल रही संभाल के रख। बैच भी तो लड़के वाले लगा के जाएंगे ना। अच्छा, हाँ बैच और चश्मे रख सकते हैं, चश्मे अगर चश्मे टूटे नहीं तो, बाकी सारा सामान तो देने वाला है ना। मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ, तुबा हम नहीं रखोगे, इसको संभालना पड़ेगा। सबसे समझदार घर में यही है, देख तुबा पूरी बात सुनो ध्यान से, हमने सारी चीजें कर ली, सारा सामान मंगवा लिया, तुबा बारिश पूरी आ रही है, क्या करें बाबू इसका पर बता नहीं दे, क्या करें बारिश का, इतनी बारिश कैसे करेंगे। तू कह रही सारा सामान मेरे को दे दो, मैं बताती हूँ क्या करना है, मैं अपने आप कर दूंगी। ये जो चुननी है सब सामान मेरे को दे दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी क्या करना है अपने आप। एक बार 10 मिनट के लिए दे दो बस, पन्नी निकाल के। तो आज मैंने सोचा एक काम करती हूँ, ये जो रूम है ना पूरा का पूरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि पापा का जो बहुत सारे कपड़े ना सारे फैले हुए हैं, तो मेरे सारे मैंने जितने भी कपड़े वो भी निकाल देती हूँ, इनकी अलमारी भी चेक कर देती हूँ, प्लस जो इनका वॉशरूम है वो भी साफ कर देती हूँ। तो हम लोगों ने ना ये वाला जो रूम है ना ये भी पूरा खाली कर दिया, थोड़े इस कमरे के ना पूरे में गद्दे बिछाएंगे, ताकि ना बच्चों को जो गिरने का डर है ना वो पूरा का पूरा निकल जाए, और पूरे गद्दे बिछा के, अभी कह रहे हैं पर यहाँ पे ना ठंड वापस आ गई है, तो इस वाले कमरे में मुझे इतनी ठंड लग रही है, तो बच्चों को तो लगेगी कि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, क्योंकि हीटर चला देते हैं यहाँ पे, क्या ना हीटर भी चला लो कुछ भी चला लो तब भी ना ठंडा ना लगता है। तो अभी यहाँ पे एक गद्दी है, इसके नीचे दो गद्दे हैं, ठीक है, एक गद्दा यहाँ लगेगा, एक गद्दा यहाँ लगेगा, दो, एक गद्दा इधर, एक इधर, इधर गद्दे इधर कह रही हूँ, तो चार गद्दे बिक जाएंगे ना, तो पूरे रूम में ना मतलब की ऐसे हो जाएगा की बच्चे आराम से घूम सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे है दो गद्दे और यहाँ पे है दो गद्दे। तो गाइस सच में यार पैकिंग करना इतना आसान होता है ना, चलो बंदा फिर भी ये निकाल लिया वो निकाल लिया, पैकिंग तो कर लेता है, पर पैकिंग को अनपैक करना उतना ही
मुश्किल है। अभी ये पूरा बैग है मेरा पायल का, सारे कपड़े हमें लगाने हैं और यहाँ पे सारे हमारे पर्स हैं। ये जितने भी पर्स है ना, वो सारे जितने हमारे ऊपर पर्स रखे ना, वो वहाँ पे लगेंगे ताकि हमें कहीं जाना होना तो हम पर्स उठा सके। अब यार सारी चीजें मैनेज करनी है, तो मुझे लग रहा है ये काम ना अभी रहने देती हूँ। मैं और पायल जब रात को फ्री हो जाएंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ना रात को जल्दी फ्री हो जाते हैं तो नींद नहीं आ रही होती, उस टाइम हम फोन देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, तो मूवी या फोन की जगह ना ये काम करेंगे। तो ये पीछे आपको जो दिख रहे हैं ना, ये तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इज ऑलवेज लव, मील्स एंड मेमोरी, ये सब ना मैंने ना अमेज़न से मंगवाई थी, तीनों छोटे छोटे छिपे पापा ने पसंद किए थे, और दो तीन चीजें और मंगवाई थी पर वो अभी लगी नहीं है। तो आज ना मैं और पायल सोच रहे, बड़े दिन से हमने कोई रेसिपी नहीं दी, तो आज हम रेसिपी भी देंगे। तो अगर आपको कोई अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी देखनी है तो जाके फैमिली फिटनेस पे जाके जरूर चेक करना। तो अभी ना इसका दलिया रेडी हो रहा है, इसको भूख लग रही है, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको पाउडर खिलाती ड्राई फ्रूट का, फिर उठोगे ना आप सोई सोई करके, फिर आपके कपड़े चेंज कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा पार्सल हम लोगों ने जो मंगवाया था वो आ गया है। तो ये हमने मंगवाया है वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता से, जिससे हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी ज्वेलरी मंगवाई है पायल की शादी में। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, फिर उन्होंने जस्ट अभी साड़ी का बिजनेस भी स्टार्ट किया, तो हमने कहा एक काम करते हैं अपने लिए साड़ी मंगवाती है। दो साड़ी मंगवा दी है, कलर अलग अलग है, और मुझे लग रहा है ये मेरे को तो आएगा नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं नीचे वाला आ जाएगा, बोले आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ये मेरे को लग जो बड़ा होगा वो मेरे को आ जाएगा, ग्रीन वाला मुझे आएगा हाँ, और नीचे वाला तो ठीक है ना, ग्रीन कलर का मैंने लहंगा ही पहना था, फिर नहीं पहनेंगे हम, जादू के बर्थडे पे पहनते हैं साड़ी। हाँ सुंदर लगेंगे। मैं ना क्या करूँगा, आपके कोट पैंट है, मुझे ऐसा लग रहा है पहले मुझे आएगा नहीं, एक बार एक काम करते हैं देखते हैं, और मुझे तो ये खुलवाना पड़ेगा, अंदर मार्जिन देखे, मार्जिन देखती हूँ। तो गाइस सच में इतनी सुंदर साड़ी है, इतनी सुंदर साड़ी है, वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता ने ना बहुत अच्छी चीज निकाली है, क्योंकि ना जब हमें शादी में जाना होता है ना तो हम सोचते हैं क्या पहने, पर ये साड़ी पहन के ऐसी लुक आ रही है बिल्कुल हाई फाई, और इसके ड्रेप जो है ना क्लीन, साड़ी की प्लेट्स ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब आपको साड़ी की प्लेट्स में काम नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, सिर्फ इसके साथ मुझे ना इस कलर का ना वो लेना पड़ेगा पेटीकोट, और ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग का दिया है, ऐसा लग रहा मेरी ही फिटिंग, और मैंने साइज नहीं दिया था, बिल्कुल लग रहा उनका साइज है, और मेरे को नहीं आया गाइस, तो मैंने तो बहुत अच्छा आया, गोलू को नहीं आया, मैं ही सोच रही हूँ हाँ। ये वाला ब्लाउज तो मैं ही रख लेती हूँ, उनको बोलती हूँ सेम मैं ना गोलू के लिए बड़ा ब्लाउज बना के दी साइज के साथ, ताकि जब कभी मुझे वो वाली साड़ी भी पहननी हो, और तू ऐसा एक सेम तू भी बनवा लियो, ठीक है एक काम करती हूँ, उनको बोलती हूँ दो ब्लाउज तेरे देंगे, दो ब्लाउज मेरे देंगे, मैं अपना फिटिंग उनको भेज देती हूँ। तो गाइस मौसम हो रहा है बड़ा बेमान, बाहर चल रही है खूब जोरों की बारिश, और बच्चों को हमने कैप से और अच्छे से ढक दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा है दोबारा ठंड होने वाली है, और टेंशन इस बात की कि यार फंक्शन आने वाले हैं, और बारिश अगर ऐसी ही रही तो हमारे जो फंक्शन है वो तो सारे ओपन है, तो कैसे मैनेज करेंगे। सच में गाइस मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बाहर खड़े होकर इतना मजा आ रहा है, तो मैंने बाहर का जो मेन गेट है ना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चों तक हवा जाए, मेरे लिए बड़ा प्यारा मौसम है, पर बच्चों के लिए मौसम अच्छा नहीं है, वैसे भी उनकी नाक बह रही है, इतना कोल्ड हो रहा है। देखो ना दीदी बिस्किट दिया था अपने खाने के लिए, हाँ आटे का बिस्किट, ये किसको दिया था, किसको दिया आपने पता क्या करा, थोड़ा सा खाया और गया वहाँ डस्टबिन खोला उसमें घेर दिया। ऐसे खोला ऐसे करके ऐसे डाला, मान गए, और ये मुंह मुंह में डालेगा हाथ तू, और तू बीमार हो जाएगा, फिर मेरे को मत बोलियो कि मैंने क्या किया, नहीं समझाऊंगी। तुझे पता क्या हुआ, क्या हुआ? जैद और रयान दोनों को आटे का बिस्किट दिया था, मैं गई बाहर, मैंने कहा इतना बड़ा बिस्किट कैसे बच्चा खा सकता है, मैंने कहा शांति बिस्किट का है, ये गया डस्टबिन के पास, पैरों से डस्टबिन को खोला ऐसे करके डाल दिया, और डस्टबिन में बिस्किट डाल के आ गया। वाह इसको अब देने ही नहीं है, डस्टबिन में फेंक रहा है चीजें, कैसी लग रही है, बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर यार, मेरे साथ तो पोपट्टी हो जाता है हमेशा मेरे जुड़े। तो गाइस ये जो साड़ी आई थी ना, हुआ क्या था पायल की शादी के टाइम पे बहुत ज्यादा पतली थी, और पायल भी पतली थी, तो पायल को तो उसका साइज आ गया, पर मुझे अभी 2 इंच कम करने की जरूरत है, तो ना वेलवेट बाय बॉक्स जो है ना नीचे से 2.5 इंच कम हो गई है हाँ। पर ये जो इसके शोल्डर्स वगैरह है थोड़ी हैवी है, ये नहीं तो ये वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता ने बहुत सारी ज्वेलरी भेजी है, ये रही 2 बॉक्स हो रहे मैंने पहनी भी हुई है, साथ में उन्होंने साड़ी का काम शुरू किया, तो उन्होंने बोला मैं साड़ी भेजू आपके लिए, मैंने बिल्कुल भेजू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर साड़ी भेजी है, ऐसे जब लेडीज साड़ी पहनती है ना, और जब वो अपनी ऐसे करके ऐसे आगे रखती है तो बड़ा सुंदर लगता है ना, बड़ा डिसेंट लुक हाँ। इस पे गजरा भी बड़ा सुंदर लगेगा भाई, नहीं नहीं इसमें सिंपल कर्ल्स अच्छे लगेंगे बस, कोई हेयर स्टाइल नहीं, जैसे तो मांग टीका लगाया हुआ तो हाँ। गजरा सुंदर लगता है लगा हुआ, तो मैंने ऐसे लगा लिया इसमें तो नहीं होगी, तो मांग टीका ना मुझे ऐसा लगता है लहंगो पे ही ज्यादा हाँ। गेटअप आती है, मांग अच्छी लग रही है, साड़ी पे अपना सिंपल कान में पहनो, गले में पहनना पहनो, नहीं तो मत पहनो, अदरवाइज सिर्फ कान में पहनो, ये तो ब्लाउज दिखने में छोटा लग रहा है कि किसी बच्चे का ब्लाउज है, तो मैं ऐसा करूंगी जैद के बर्थडे पे मैं ये वाली पहनू, हाँ तो ये पहन लियो अच्छी लगी, तो नहीं हमारे पास तो गोल्डन साड़ी है दोनों की, जैस्मिन ही भेजी वो अगर तेरा ब्लाउज नहीं आया तो हम वो पहन लेंगे, और ये किसी और फंक्शन तू भाई आन के बर्थडे पे पहन, हाँ ठीक है ना। तो गाइस
ट्रायल के बच गए हैं 4:30। और इधर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लाल पीली दाल की खिचड़ी और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। देसी घी में सिर्फ और सिर्फ ना टमाटर, हींग, हल्दी और नमक का तड़का है। तो बच्चे ना बस सभी उठे तो मैंने सोचा है काम करते बच्चों को दूध नहीं देती, फटाफट खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को दूध दे दिया ना तो फिर खिचड़ी खाएंगे नहीं। तो बस अभी इसको ना सीटी लगवा रही हूँ, 5-6 सीटी लगने के बाद इसको ठंडी कर दूंगी बड़े वाले कोई डोंगे में ताकि ये फटाफट ठंडी हो जाए। और गाइस मैं ना टमाटर जब भी बच्चों के खिचड़ी में टमाटर डालती हूँ तो इससे ना मैं इसको फिस फिस कर देती हूँ ऐसे, मतलब पूरा मैश कर देती हूँ ताकि बच्चों के ना मुंह में टुकड़े ना आए। तो आप भी जब भी टमाटर की खिचड़ी बनाओ ना तो उसको ऐसे वाले से मैश कर दो। तो मैंने ना दूबों को बिंदी लगा दी क्योंकि मम्मा ने बिंदी लगाई थी। ये जैदू ये तो जैद के चक्कर में ना यहाँ से ना डस्टबिन उठाना पड़ा क्योंकि ना ये बार बार क्या करता है आता है डस्टबिन को खोलता है फिर वही हैंड अपने मुंह में डालता है। तो यहाँ से मैंने जो डस्टबिन है ना वो उठवा दिया। जैद डस्टबिन उठा दिया मैंने, आप तंग करते थे ना। इधर आओ। तो गाइस सच में टेस्टी खिचड़ी बनी ना, इतनी टेस्टी बनी बहुत ज्यादा टेस्टी। अगर मैं ये फिर अपने लिए बनाऊंगी ना तो नहीं बनेगी, पर बच्चों के लिए हमेशा जब माँ को चीज बनाती है ना बहुत टेस्टी बनती है, वो थोड़ी बनती है पर अच्छी बनती है। ऐसे ऐसे कर रहे दोनों, मारूंगी तुम लोगों को एक ही थप्पड़। तू देखो भी जैद देखो भी खाने के समझ आते नहीं, यहाँ पे मैं खाना बना रही तुम्हारे लिए और तुम ड्रामे करोगे। मैं कह रही थी टेस्टी है, मैंने इसमें हरा धनिया डाला है ताकि बच्चों को टेस्ट आए, क्योंकि पहले क्या होता था ना मैं हरा धनिया डालती थी। इस बार देख खिचड़ी को लात मारेगा मन्नू, लात मारेगा गिरेगा ये लड़का। अच्छा देख खुशबू आ रही मेरे अंदर से, सूंघ के देख ऐसे कर बेटे। अच्छा ये कहाँ से सूंघेंगे, नाक ही बंद है कहाँ से सूंघाई आएगी। तो गाइस ये वाला कमरा है ना हमने पूरा बच्चों के लिए बनाया, तो ये गद्दे बन के आ चुके हैं और जिससे हम दिल्ली गए तब से ऐसे पड़े हैं। तो मैंने आते सोचा सबसे पहले बच्चों को कमरा रेडी कराती हूँ, उसके बाद ना बच्चों की हमें टेंशन नहीं रहेगी, बच्चे गिरने की फूटने की सर फूटने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। चारों साइड तो फॉर्म लगवा रही हूँ, ये गद्दे बिछवा रही हूँ, ये गेट ये रहा, यहाँ से गेट मैंने नीचे से कटवा दिया, भैया आ गए, भैया इस गेट को फिट कर देंगे और गद्दा पूरा पूरे रूम में आ जाएगा। ये गद्दा ना ऐसे बिछेगा और ये गद्दा ऐसे बिछेगा ना इसके ऊपर चद्दर भी आएगी क्योंकि रोज बेडशीट चेंज होगी बच्चों की। तो ये अलमारी खोलने में वैसे तो दिक्कत नहीं आ रही लेकिन चद्दर बिछने के बाद शायद आ सकती है, तो मैं इसको भी ना हल्का हल्का आधा आधा इंच दोनों पल्ले खुलवा के कटवा के फिर लगवा रही। तो गाइस यहाँ पे तूबा हो गई है रेडी शाम के लिए, तो भी मैंने सेम ना अयान और जैद के भी ना सेम कपड़े निकाले हैं इवनिंग के लिए क्योंकि बच्चे दिन में 2-3 बार कपड़े बदलते हैं। वेरी दूर तो यहाँ पे मैंने ना 2 पजामियां और दोनों के सेम स्वेटर निकाल दिया। तो मैंने ना पायल के लिए गिफ्ट मंगवाया था उसका बर्थडे के लिए और मैंने पहले से ही ना ऐसे किया था कि वो गिफ्ट आज 3 मार्च को आ जाए, तो गिफ्ट दिखाती हूँ क्या है। आई वॉन्ट गिफ्ट क्या मंगवाया है, मैंने पायल के लिए मंगवाई है एक सेम ब्लैक कलर की जैगिंग जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो मेरा जो साइज है ना वो है मीडियम और मीडियम है, मैंने पायल के लिए एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया है। तो ये मैंने जैगिंग मंगवाई है पायल के लिए जो कि मुझे डिस्काउंट में मिली है, ठीक है। और एक मैंने पैंट मंगवाई है, ये है 2500 की बट इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ये बहुत सुंदर है, मेरे पास इतना व्हाइट पैंट्स है, ठीक है। तो ये मैंने पायल के लिए पैंट्स मंगवाई है, वाइट कलर की, बहुत सुंदर लग रही है सच में, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है, बहुत ही सुंदर है ये। तो ये 2 चीजें मेरी तरफ से पायल के लिए बर्थडे गिफ्ट। दिखाओ मम्मा को दिखाओ, मम्मा बेटी रेडी हो गई बिंदीज बिंदीज लगा के, छोटी बिंदी बड़ी बिंदी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, What kind of this you are speaking in English or Hindi? My tubru kububru yani bole ratne ek hai tuba aur ek ayan। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी तो हो गई थी और अब मुझे एहसास हो रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा है, तो वापस ये सूट रख देती हूँ फोल्ड करके, जब गर्मी आएंगी तब पहनूंगी इसे और अभी नॉर्मल कपड़े पहन लेती हूँ। वहाँ पे छाता पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देखो वहाँ पे ना वहाँ पे छाते का धागा है उसके, देखो देखो कैसे देखो अंदर ये चक ली उन्हें, देखो पूरा पूरी सी कोशिश है ये छाता लेने की, जो देखो मिलता है तो वही निकालता है जो मिलता है। इस लड़के ने डस्टबिन के पास इतना रहता है ना, जैज जाते हैं डस्टबिन के पास और डस्टबिन के पास जाके ना अभी उस डस्टबिन को खोल के अपना गंदा डायपर निकाल रहा था। मैं वहां से डस्टबिन हटा चुकी थी बट फिर वही है ना डस्टबिन की जगह तो चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ करती हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने भाभी के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सूट मंगवाया है ख्याति ऑनलाइन मार्ट से और मैंने वो पायल ने बहुत सारी चीजें मतलब पायल ने ना बहुत सारे ऑनलाइन सूट पसंद करे थे तो 6 सूट आ गए, तो सारे ना एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये वाला जो सूट है ना इतना प्रिटी लग रहा है, बहुत सुंदर कलर है, तो मैं एक एक सूट दिखाती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है सूट, मैं भी मंगवाऊंगी अपने लिए। तो ये सूट है ऐसे फ्रॉक वाला सूट है, ठीक है। अच्छा पीछे से यानू आया और मम्मा का फोन उठा लिया, वेरी गुड, ठीक है। और इसके साथ ना बड़ी ब्यूटीफुल सी चुन्नी है ये पिंक कलर, तो अभी साथ साथ इसको पैक भी कर देती हूँ ताकि ना फिर वो ना हो जाए रफड़बाजी ना हो जाए, और भाभी का सारा सामान हमें अच्छे से पैक करना है, बाकी सूट तो कर दिए तो रह गए थोड़े बहुत वो भी कर देंगे मैं पायल। तो ये वाला जो सूट है ना स्लीवलेस है और इसके साथ बहुत अच्छा की स्लीव मिली हुई है क्योंकि भाभी ना स्लीवलेस नहीं पहनती। हाँ जी बेटा कुछ खिलाओ तो बहुत भूख लग रही है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है ये साड़ी जो की बहुत ही सुंदर लग रही है, इसका जो ब्लाउज है ना बड़ा सुंदर है पर्पल कलर की साड़ी, मैं पूरी नहीं खोल रही क्योंकि ना फिर पैकिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नेक्स्ट है ये पर्पल कलर का देखती हूँ सूट है साड़ी है, ये तो
वाओ सूट लग रहा है, बड़ा सुंदर है। आजकल ना पर्पल कलर बड़ा इन चल रहा है, ये सूट है बहुत शांति देख, सूट देख सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, कलर बड़ा प्यारा है इसका। तो अगला सूट है ये, और ये भी बहुत ही सुंदर है, सारे कलर बड़े सुंदर है। पिंक कलर का सूट है और नीचे ना इसकी पैंट्स है, प्लाजो टाइप की जो पैंट्स होती है ना खुली खुली, और इसका कपड़ा बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी सूट। और ये जो सूट है ना ये भी मतलब कि ना गर्मियों में पहन सकती है भाभी आराम से, और पतला कपड़ा होता ना तो वाला सूट है ये, अच्छा लग रहा है। ओहो नेल्स करवाना बड़ा आसान है इस लट्टू में, ओहो बार बार नाखून फंस जाते हैं। तो एक सूट ये है मोर पंखी, इसका पैंट्स बहुत ज्यादा सुंदर है, ये रहा ब्लू कलर का सूट है, ये भी बड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है, और भाभी भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि भाभी का रंग ना बहुत फेयर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन पे ना ऐसा कलर बड़ा सुंदर लगता है, ये सूट बहुत अच्छा है। ये वाला लास्ट सूट है जो रह गया, और ये जो सूट है ना फ्रॉक स्टाइल में है ऐसा है, वाओ ये भी सुंदर है। तो मेरे को ना दो सूट बहुत अच्छे लगे, एक ब्लू वाला और एक मल्टी कलर, तो मैंने ना मैं भी मतलब की छाती सी वाले सूट मंगवाऊंगी अपने लिए पायल के लिए। चीकू भाई की हरकत देखियो गाइस, देखना इसकी हरकत देखना, गेट खोल के अब इसका हाथ आ गया शांति अंदर है तो रोएगा। यानू ये कहां गया आपने, अब पता है क्या करना पड़ेगा, मैं गेट को बंद करके ना ऐसे करना पड़ेगा, अब ये गेट खोलना सीख गए। इसमें मुझे लग रहा दीदी लॉक खराब हो गया, अब इसको एक काम करती हूँ, हाँ लॉक खराब हो गया शांति, अब एक काम करती हूँ इसको ऐसे पर्दा लगा कर उसको सब खोलना आता है। अभी पर्दा भी हटा रहा सी, हटाया नहीं इंदर तो पहले ऐसे कर दूं, हटा लिया सी ऐसे कर दूं। हाँ छोड़ो एक मिनट अभी देखना क्या करेगा, अब नहीं करेगा ये बच्चे ना ऐसे नहीं करते, जब कोई कमरे में नहीं होता कोई नहीं देख रहा तब ये शरारते करते, अब इसको पता है अभी नहीं जाना, अब नहीं जाएगा। तो गाइस तीनों लड़के सो चुके हैं और कल है चीकू का एग्जाम, तो उसको मेरे को सुबह उठ के तैयारी करानी है, और तूबा जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रही है सोने के टाइम पे, उसे पता नहीं चलता कैसे जाए, उसकी बचपन वाली आदत है। तो गोलू उसको चुप करा रही है, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट आईडी आ रही है, उसे भी फॉलो कर लो। गाइस ब्लॉग को पूरा देखा करो तभी आपको पूरा इंटरेस्ट आएगा ब्लॉग देखने में, और आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।